नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी एग्ज़ाम की चैनल में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और एक बात, अगर जो भी इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं सीटेट में, उन्हीं में इनका आंसर छुपा हुआ होता है, तो आपको बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है इनको। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्या सही हो सकता है? हाँ, प्रजातांत्रिक परिवेश सही हो सकता है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होती? बताएंगे क्या अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं होती? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के विकास के लिए एक अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, नियंत्रण में कभी भी बच्चा विकास नहीं कर सकता है। और कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश, नहीं, अधिकारवाद में भी नहीं होगा। तो एक जब प्रजातांत्रिक जो परिवेश होता है उसी में कोई बच्चा जो है वो विकास कर सकता है। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, विकल्प ए बिल्कुल सही है, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चरित्र का विकास होता है, इसके लिए भी चार ऑप्शन है। चरित्र का विकास बालक का कब हो सकता है? तो चरित्र का आपका विकास हो सकता है, देखिए चार ऑप्शन में, ए इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, बच्चे का विकास इन सभी के द्वारा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो कौन सा कारक है जो अधिगम को अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प आपको कौन सा उत्तर है? इसका थ्री, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। जब बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, यही आपका विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुवर्धकी ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। ऐसा कौन सा कारक था जिसने वायुवर्धकी ने कहा कि ये बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कुछ आपको जैसे पता होगा, वायुवर्धकी ने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वायुवर्धकी ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प ए, सामाजिक अधिगम जो था वो बिल्कुल सही था, तो सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसके लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो क्या होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100 करके आप निकाल सकते हैं इसको। तो जब इसको आप निकालेंगे तो ये कट के और लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो होगा 12 ईयर। कितना होगा? 12 ईयर। तो आप इसको सॉल्व कर लें फॉर्मूले से, इसका 12 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? कौन सा होगा विकल्प? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका विकल्प बी है वो देखने में ही सही लग रहा है, सभी विद्यार्थियों को क्या करता है, निदान करता है, और निदान के माध्यम से उसकी मदद करता है, उनको जानने में, उनकी समस्याओं को जानने में उसे मदद करता है मूल्यांकन से। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? विकल्प टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है। जिसमें भी आपका नहीं वाला जो प्रश्न होता है उसको आप थोड़ा सर्कल कर लिया कीजिए कि हमें नहीं का ऑप्शन चुनना है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं, बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं। नंबर दो, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नंबर दो है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे कक्षा में नहीं बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो विकल्प टू जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा गया है, एक कूदना, दो लिखना, तीन दौड़ना और चार चढ़ना। तो सूक्ष्म का मतलब कम, जिसमें एक्टिविटी कम हो, कूदने में होती है, होती है। लिखना, यही विकल्प बिल्कुल सही है, लिखने में क्या है सूक्ष्म कौशल होता है बहुत ही। दौड़ना बहुत बड़ा है आपका, चढ़ना भी है और कूदना भी है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा सेकंड, टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है कौन सा होगा, देख लीजिए, डेविड वेसलर, नंबर दो चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्न या अल्फर्ड बिने। तो अल्फर्ड बिने फोर इज द राइट आंसर, विकल्प फोर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एक विकलांग बच्चा जब बालक आएगा तो उसको जो शिक्षक है उसका, उसको क्या करना चाहिए, इसके विषय में आप अपनी राय बताएं। तो चार विकल्प दिए गए हैं, देखिए आपको कौन सा सही लगता है। उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, नहीं, समावेशी शिक्षा का दौर चल रहा है तो ये विकल्प तो सही नहीं होगा, विशेष स्कूल में उसे नहीं भेजना होगा। अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, नहीं, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, सबसे पहले एक प्रेस परीक्षा का संचालन करना चाहिए, नहीं, प्रेस परीक्षा का संचालन भी नहीं होगा। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अगम के साथ चर्चा करनी चाहिए, सॉरी, बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल विकल्प सही है। तो विकल्प फोर जो है वो बिल्कुल सही है, फोर द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो इसके लिए भी आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अति सामान्यीकरण, विकासात्मक या सरलीकरण। तो इसका जो आंसर है वो है विकल्प टू, विकल्प जो दो है वो बिल्कुल सही है, विकासात्मक गलतियां जो है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? कौन सा होगा, एक संगति की आवश्यकता, नंबर दो प्रशंसा या सामाजिक अनुदान की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित विकल्प जो फोर है वो आपको देखने में लग रहा होगा,
ये जो है वो नहीं होगा। तो जो 4 आया इसका विकल्प वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपरोक्त सभी। तो देखिए शारीरिक विकास को ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं कारक वो सभी प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम सभी ये हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एक व्यक्ति के विकास के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि ये तो होती है, पीयूष ग्रंथि ये भी है, बट लार ग्रंथि यही आपका विकल्प सही है, क्योंकि लार ग्रंथि जो है वो आपकी अंत नहीं बाह्यस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि भी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो विकल्प जो आपका 3 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य बचपन की अवधि कौन सी है? मध्य बचपन की अवधि कौन सी कहलाती है? तो आपने आंसर तो इसका देख ही लिया होगा, तो क्या है? बी। बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 6 से 11 वर्ष की जो अवधि होती है उसको मध्यकाल कहते हैं, बचपन का मध्यकाल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।